शिव जी ने देखा कि नारद आए हैं। नारद जी आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, कुछ तो बोले भैया, मौन व्रत है का? देखो ना, आज तो एकादशी है और ना कोई व्रत है, अब तो बोलना चाहिए। नारद जी आएंगे तो क्या करेंगे? संत आएगा तो क्या करेगा? भगवान नाम गाएगा, आप सबको भी गवाएगा। देखिए महाराज जी आए तो आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा रख दी है। संत का काम है परमात्मा से जोड़ देना। आप लोग तो यहाँ रहते हो गिरगांव महादेव में, पर महाराज जी तो रहते भी नहीं है, बड़ी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके महाराज जी ने कहा श्रावण मास में लोगों का कल्याण तो करना ही है, गिरगांव महादेव में शिव महापुराण की कथा तो रखनी ही है। ये है संत का स्वभाव। जब संत आता है ना तो अपने साथ साथ सभी को जोड़ करके भगवान नाम स्मरण करता है। आज नारद जी शिव जी के पास आए। शिव जी ने सोचा नारायण के प्रिय श्री नारद जी आए हैं, भगवान की कथा सुनाएंगे, राम जी का नाम गुनगाएंगे। लेकिन मार चरित शंकर ही सुनाई। शिव जी राम कथा सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन सुना दिए मार कथा। मार कथा मतलब काम कथा सुना दिए। जो राम का प्यासा बैठा था उसे काम का पिपासु बना रहे थे। नारद जी सुनाते रहे सुनाते रहे, भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। फिर नारद जी ने सोचा कि वक्ता को श्रोता की तरफ से कोई उत्साह नहीं मिल रहा है, तो पूछे शिव जी से कि कथा कैसी लगी। शिव जी बोले कथा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसी कथा हमें सुनाई है वैसी कथा किसी को मत सुनाना। और जब वक्ता को श्रोता ऐसी बात कह दे तो वक्ता की तो हिम्मत ही नहीं होगी कथा करने की। भोलेनाथ ने कहा जैसी कथा हमें सुनाई है वैसी कथा किसी को मत सुनाना। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बार बार विनवो मुनि तो ही, एक बार नहीं, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ नारद, इस कथा को अब किसी को मत सुनाना। नारद जी ने कहा लगता है इनको ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि इन्होंने भी काम को जीता और मैंने भी काम को जीता, तो लगता है इनको ईर्ष्या हो गई है। अरे मैं तो इनसे दो हाथ आगे निकल गया, इन्होंने काम को ही जीता था, मैंने तो क्रोध भी जीत लिया और मैंने लोभ भी जीत लिया, इसलिए इनको जलन हो रही है, ये मेरे सुख को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा ये कथा किसी को मत सुनाना। नारद जी ने कहा हमें दुनिया से क्या मतलब है, हमारे तो एक ही नाथ है नारायण, हम तो उन्हीं को सुनाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि तुम सबको सुना देना, पर एक बार कहूं, एक बात कहूं, भगवान नारायण को कदापि मत सुनाना मार कथा। कभी कभी बड़े सीख देते हैं ना तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जब कोई बड़ा समझाता है तो उसकी सीख मान लेनी चाहिए, पर हम लोग मानते नहीं हैं। और मानस में कहा गया है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता गुरु की ये वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, भी नहीं
नहीं विचार करें सुविचारी। उसमें तो विचार करना भी नहीं चाहिए। मानस कर ने यहाँ तक कह दिया, यदि माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा हो तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए। पर नारद जी सोचने लगे कि ये भोलेनाथ को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या किए? आज नारद जी शिव जी के यहाँ से चले और भगवान का नाम गाने लगे। एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, मानस में एक अद्भुत बात ये भी है कि जहां जहां एक बार आया है वहां घटना घटी है। जब नारद जी ने तप करने के लिए स्थान सेलेक्ट किया तब भी एक बार आया। एक बार गिहा अति पावन, और यहाँ पर भी एक बार आया है। आज नारद जी चले, लेकिन कैसे चले? वो नारद नहीं है जो पूर्व के नारद थे, क्योंकि करतल हमेशा वीणा लेते थे, हमेशा वीणा में भगवान का गुणगान करते थे, लेकिन आज वीणा के साथ विशेषण लगा है, वर वीणा लिया है नारद जी। वर अर्थात श्रेष्ठ वीणा, और भगवान का नाम तो सदैव श्रेष्ठ होता है, उसे किसी विशेषण की जरूरत नहीं होती है। ये वाणी अच्छी नहीं है, ये वाणी इसलिए अच्छी है क्योंकि इस वाणी से भगवान नाम निकलता है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वीणा लेने की क्या आवश्यकता? अरे जिस यंत्र में भगवान का नाम गाया जाए वही श्रेष्ठ हो जाता है। पर मन में अभिमान है इसलिए श्रेष्ठ वीणा लेना है। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गाया जाए तो भाव से गाया जाए, ये नहीं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं तभी गाएंगे और नहीं गा पाते तो नहीं गाएंगे। अरे हरि नाम तो अच्छा है और गाएंगे तो हमारी वाणी भी अच्छी हो जाएगी। हरि नाम गाते गाते नारद जी आज कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? क्यों मैया बता दो कहाँ पहुंचे? भगवान नारायण के पास पहुंचे। क्षीर निधि गवनी मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, बस बस निकेत भगवान नारायण रहते हैं। और भगवान ने देखा नारद जी आए हैं ना, तो पहले नारद चरणों में आकर के गिरते थे, आज भगवान ने देखा कि ये श्री नारद आया है,
तो भगवान अपने स्थान से उठ गए और हर सी मिले उठी रमानी के ता पहले नारद जी आते थे तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और नीचे बैठ जाते थे। क्या करते थे? पहले नारद जी भगवान से मिलने आते थे ना, तो जा करके नीचे बैठ जाते थे। लेकिन आज श्री नारद जी आए हैं तो भगवान ने सोचा ये हमेशा नीचे आकर के बैठते हैं, आज मैं ही उठ करके चला जाऊं। भगवान गए, नारद जी मन में सोचने लगे, वाह लगता है भगवान को पता चल गया मेरी कीर्ति का, तभी तो स्वागत कर रहे हैं। तो नारद जी ने प्रणाम नहीं किया, भगवान ने हृदय से लगाया तो नारद जी भी लग गए। वाह आज तो मुझे प्रभु हृदय से लगा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये नारद तो अभिमानी हो गया, तो भगवान ने नीचे बैठने को नहीं कहा,